स्टार्ट है ना। हाँ एनसीईआरटी 12.1 इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम पढ़ लिए थे, फॉर्मूला जो भी था वो हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए, उसको देख करके और उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अटेम्प्ट लेना है इस प्रॉब्लम के, और ये प्रॉब्लम भी हो चुका है एग्जाम, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंप्लीट है। ठीक है, तो हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 से, और ये क्वेश्चन नंबर 3 बना करके चेक कर लेंगे कि कितना आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है फिगर 12.3, तो ये जो फिगर दिया हुआ था ये 12.3 ही है, लेकिन यहां पर लिखा हुआ नहीं है, इसे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है। ठीक है, कहता है डिपिक्स एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विथ इट्स 5 स्कोरिंग रीजंस। स्कोरिंग रीजन जो भी एमबी से जो एम लगाना होता है वो आपको दिया गया है। ये 5 रीजन दिया गया, जिसमें एक है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। कहता है ये जब दिया गया उसमें द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाला कहां है? बीच वाला है। तो बीच वाला जो गोल्ड है उसका डायमीटर है कितना? 21 सेंटीमीटर। एंड ईच ऑफ अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। अब समझ लो इसका मतलब क्या है कि इसका डायमीटर तो हमको पता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं, ध्यान देना है। ये हो गया, इसका हमको डायमीटर पता है 21 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आ जाएगा 21/2। लेकिन इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक जो विड्थ दिया गया वाइड ये है 10.5, यानी कहने का मतलब कि 21 का आधा, यानी कि ये जब 10.5 तो ये भी 10.5, यानी ये वाला भी 10.5। तो इसे को समझ में क्या आएगा वो देखो, पहले का रेडियस 21/2, सेकेंड का रेडियस 21, कैसे 10.5 और 10.5 ऐड कर देंगे 21, कहेंगे इसका रेडियस बताओ, इसका तो 21 था इतना, 10.5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 31.5। इसी प्रकार से अगर इसको पूछेगा ब्लैक वाले को तो 10.5 और ऐड करेंगे तो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा, अगर इसको पूछेंगे तो 10.5 ऐड करेंगे 52.5। ये सबका रेडियस मिल गया। तो रेडियस मिलने के बाद पूछा क्या है वो बताओ। तो पूछा गया कि जितने भी स्कोरिंग रीजंस थे सारे रीजंस का एरिया निकालना है, कितना कितना रीजन में एरिया होगा। तो सबसे पहले अगर गोल्ड के बारे में सोचना शुरू करें तो गोल्ड के लिए देखो, तो रेडियस ऑफ गोल्ड, गोल्ड को जी लिख सकते हैं, और ये 21/2। तो इसको अगर एरिया निकालना चाहेंगे तो एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, तो गोल्ड रीजन का एरिया निकाल दो, ठीक है, कितना मिल जाएगा? तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर हो गया 21/2 का होल स्क्वायर, तो क्यों ना इसे दो बार लिखा जाए। तो ये बता, ये कट जाएगा 3 टाइम्स, कटेगा 1 से, तो हमें कितना मिलेगा 33 × 21/2, इतना आ गया। इसको मल्टी डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, तो 33/21 मल्टीप्लाई करो, देखो 33 × 1 = 33 बचा कितना 3, 33 × 2 = 66 और 3 = 69, तो कितना आ गया 693/2। अगर पॉइंट में लाएंगे तो 3 4 1 2 1 3 13, यानी होगा कितना 612.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये तो बन गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन ये बना किसका? ऑनली गोल्ड का आया है। अभी हमको चाहिए किसका? रेड के लिए। तो रेड रीजन जब चाहिए रेड, तो ये हमको जो बना रेड रीजन में ये बना बनता है किसके जैसा? तो बोल सकते हैं ये जो तुम्हारा जो पहले वाला सपोज हम मान लेते हैं रेड निकालना है, तो इतना बड़ा सर्कल हम ले लिए रेड वाला, लेकिन इसमें पहले से गोल्ड कलर का पहले से है और गोल्ड कलर का हम ले लिए ये वाला,
तो एक प्रकार के ये बन क्या रहा है, तो एक बन रही है रिंग, और रिंग का फॉर्मूला बताए थे कि पाई आर प्लस आर और इनटू होता है आर माइनस आर। ठीक है, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7। ठीक है, कैपिटल आर यानी बड़ा वाला आर, तो ये रेड के देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 प्लस, और ये कितना है तुम्हारा छोटा वाला आर यानी ये वाला, तो 21 का हाफ यानी 21/2 इंटू आर बोलेंगे बड़ा वाला, तो यहां से यहां आ जाएगा 21 और ये छोटा वाला 21/2, तब यहां से बना दो कितना जाएगा 22/7 इंटू 21/2 और 21 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना 2 × 21 और ये 21, तो कह सकते हैं 63/2 इंटू, और जब ये कट करेंगे तो 21/2 कैसे 21 एक हो और 21 का आधा घटाएंगे तो हमको आधा 21 बच जाएगा। ठीक है, कटेगा काट देंगे, यहां पर काट सकते हो कितने से तो 9 से काट सकते हैं, ये कटेगा कितने से 11 से, अब हम मल्टीप्लाई करने वाले नहीं। ठीक है, 11 × 9 = 99 इंटू 21 और यहां से आ जाएगा 2, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आएगा रेड का। लेकिन अब हमको चाहिए किसको, तो चाहिए ब्लू का, तो अब ज्यादा सब नहीं बनाएंगे, इसमें हम बना देंगे ब्लू, फिर ब्लैक अपने आप बना सकते हो। तो देखो ब्लू के लिए, यहां पर ब्लू रीजन के लिए बताओ ये कितना है, ब्लू के लिए 31.5 कैपिटल आर हो जाएगा और स्मॉल आर हो जाएगा रेड तक, और रेड तक कितना था 21, तो इसका भी एरिया कितना होगा, तो पाई कैपिटल आर माइनस छोटा आर कैपिटल आर प्लस छोटा आर, तो ये कितना 22/7 कैपिटल आर 21 31.5 और ये छोटा 21 कैसे, तो यहां से 31.5 और ये 21 और यहां से जाएगा 31.5 प्लस 21। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 22/7 इंटू माइनस कर दो 10.5 और यहां प्लस कर देंगे तो 112 यानी 52.5 जितना भी आएगा कैलकुलेट करके सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये किसका बन गया ब्लू का, चाहिए किसको ब्लैक, ब्लैक ब्लैक रीजन में आर कितना कैपिटल आर 42 यानी यूज कर लेना आर 42 और स्मॉल आर यूज करना कितना ब्लू तक, और ब्लू तक कितना है 31.5 सन्नाई जी रेडियस समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या होगा व्हाइट, व्हाइट के लिए देखो कैपिटल आर कितना होगा एकदम लास्ट तक, और लास्ट कितना है तुम्हारे पास 52.5 और स्मॉल आर कितना होगा 42, और कौन सा फॉर्मूला यूज करना ये वाला, जैसे करोगे सभी रीजन का तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना 4 12.1 कुछ इसमें टेंशन हुआ है, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन हुआ है कि सबसे मिनिमम 30% पर आता था और ये देखो 75 पर ही लास्ट हो जा रहे हैं, है ना, अपडेट करना पड़ेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो पहले इधर से ले लो, ठीक है हो गया, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट इधर से ले लो, ये हो गया कंप्लीट, कोई डाउट्स नहीं है, क्वेश्चन पॉज करो बंद करो।